जय मसीह की। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन। वचन कहता है, जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गया है, तब वो अपने घर गया। उसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं। वहां अपनी रीति के अनुसार वो दिन में 3 अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो जब किसी को प्यार करता परमेश्वर, जब अपने आप को किसी के ऊपर तो प्रकट करता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। दानियल के जीवन में अब क्या हुआ था, ये वचन हमें क्या बताता है? वो कौन सा दस्तावेज था जिस पर हस्ताक्षर हुए थे? वो कौन सा दस्तावेज था जिसको दानियल ने पढ़ लिया था? राजा दारा जो उस समय दानियल का राजा था, दानियल से बहुत प्यार करता था, लेकिन दानियल के कुछ दुश्मन थे और वो दुश्मन जानते थे कि दानियल परमेश्वर की पूजा करता है, परमेश्वर को नतमस्तक करता है, लेकिन वो दुश्मन दानियल को फंसाना चाहते थे, उसके जीवन को खत्म कर देना चाहते थे। इसलिए वो दस्तावेज बनाया गया कि कोई भी 1 के अंदर अगर दारा राजा को छोड़कर किसी और को नतमस्तक करेगा तो उसे सिंहों की नात में छोड़ दिया जाएगा, भूखे शेरों की नात में छोड़ दिया जाएगा। और ये बात दानियल जान गया था। और ये बात दानियल जानने के बाद अपने घर आता है और घर आकर परमेश्वर के सामने नतमस्तक करता है और 3 धन्यवाद कहता है कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे चुना, धन्यवाद तूने मुझे आशा दी, धन्यवाद तूने मुझे शक्ति दी, धन्यवाद तूने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं कष्टों में भी, दुख में भी, कैसी भी परिस्थितियों में तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं, तुझे अपने जीवन में प्रकट करूं और दुनिया को बताऊं कि तू ही परमेश्वर और कोई नहीं है। धन्यवाद, हालेलुया। देखिए, दानियल क्या चाहता था कि दुनिया को पता चले, दानियल क्या चाहता था कि वो लोग जाने कि मैं जिस परमेश्वर की पूजा करता हूं, मैं जिस परमेश्वर को नतमस्तक करता हूं, मैं जिस परमेश्वर को सबके सामने मैं ऐलान करता हूं कि वो ही पिता परमेश्वर है, वो कौन है, वो कौन है? चाहे भूखे शेरों की मांद हो, चाहे कोई भी आग हो, लेकिन दानियल जानता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई किसी से खतरा नहीं है, मुझे कोई परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है, मुझे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर जिसको मैं पूछता हूं वो जीवित है और उसकी शक्ति मेरे अंदर है। और हुआ क्या जब उनको पता लगा तो उन्होंने दारा राजा को जाकर कहा, और दारा राजा जो कि दानियल से प्यार करता था वो शोकित हो गया और चाहता था दानियल को बचाना, लेकिन वो बचा नहीं पाया। उसने दानियल से कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है वो तुझे बचाएगा। और हुआ भी यही हुआ कि रात भर दानियल उस मांद में रहा जहां पर भूखे शेर थे, राजा करवट बदलता रहा, राजा सोया नहीं, लेकिन दानियल का विश्वास, दानियल का प्यार उसके साथ जीवित था। और सुबह जब दारा राजा वहां पर पहुंचा उस मांद में, उसने पत्थर हटाया और आवाज लगाई, दानियल ने कहा, मैं यहां हूं राजा, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया, देख और तू बता कि किसको नतमस्तक करना चाहिए, कौन है जिसके सामने हमें झुकना चाहिए, वो जो मूर्ति है, वो जो सिर्फ एक पत्थर है, या वो जिसने संसार को रचा है, या वो जो रचयिता है, या वो, या हम जो हमें प्यार करता है और हमारे प्यार की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर को खुश करना सिर्फ हमारा विश्वास ही उसे खुश कर सकता है। हालेलुया, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे कैसा भी कष्ट आए, चाहे कैसी भी दुविधा आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को हम अपने विश्वास के द्वारा प्रसन्न करें, उसे बताएं कि चाहे कोई भी परिस्थिति, चाहे कोई भी कष्ट आए, लेकिन हमें कोई तुझसे अलग नहीं कर सकता, हमें कोई तुझसे जुदा नहीं कर सकता है। और धन्यवाद दें परमेश्वर, तूने हमें बुद्धि दी, तूने हमें बताया कि तू कौन है जो हमसे प्यार करता है, तूने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया हमारे लिए, तूने उसका लहू बहाया हमारे लिए, यीशु ने कोड़े खाए हमारे लिए, यीशु मसीह मरा हमारे लिए, यीशु मसीह मर कर जिंदा हुआ हमारे लिए। इसलिए रोमियो 8:32 क्या कहता है, जो अपने पुत्र को हमारे लिए उसने जिसने हमारे अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, वो हमारे लिए और क्या नहीं कर सकता है, वो कितने सुख देगा, कितनी आशीषें देगा, वो कितनी हमारी चिंता करता है। मेरे दोस्तों, यही तो आशा है, यही तो शक्ति है, यही तो सामर्थ्य है, और यही उसका प्यार है, और वो प्यार
हमें जिंदगी देता है, वो प्यार हमें दुखों में लड़ने की शक्ति देता है, वो प्यार हमें बताता है कि यीशु ही प्रभु है और वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमसे प्यार करता है। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाले और देखने वाले हर भाई बहन के लिए। हम आशीष मांगते हैं, वो शक्ति, वो सामर्थ, वो प्यार हमेशा हमारे अंदर बना रहे प्रभु का, ताकि कोई भी दुविधा, कोई भी परिस्थिति हमें झुका ना सके। हम भी दानियल की तरह दुनिया के सामने आए और कहें कि नहीं, मेरा प्रभु जीवित है और हम अपने प्रभु को ही नतमस्तक करेंगे और कोई दूसरा नहीं है जिसके सामने हम झुकेंगे। आमीन, आमीन।